देश दुनिया में राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर जनवरी 2024 में खुल जाएगा। इसके साथ ही 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में रामलला के दर्शन भक्तों को मिलने लगेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा। भव्य गर्भगृह में रामलला को विराजित करने पीएम नरेंद्र मोदी भी खुद अयोध्या पहुंचेंगे। 161 फीट ऊंचे भव्य राम मंदिर में राम जी लला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि सामने आ गई है। खबरों के अनुसार राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि तिथि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मकर संक्रांति के बाद होनी चाहिए। ऐसे में 14 या 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न कर लिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 10 दिवसीय होगा और 24-25 जनवरी से भव्य गर्भगृह में भक्तों को रामलला के दर्शन प्राप्त होने लगेंगे। आपको बता दें कि ज्योतिषियों ने इनके लिए 4 तिथियां निकाली थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रस्ट ने देश के शीर्ष ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाए थे। ज्योतिषों की ओर से दिए गए शुभ मुहूर्त 21, 22, 24 व 25 जनवरी की तिथि शामिल है। ट्रस्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 जनवरी को रामजी लला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि यह सबसे उत्तम तिथि बताई जा रही है। यह भी तय है कि रामजी लला को नए घर में विराजमान करने के लिए पीएम मोदी जाएंगे। 15 जून को भरकुंड में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से रामजी लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले अयोध्या बेहद सुंदर नगरी बनके सामने आएगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि तिथि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी को आमंत्रण भी भेजा जा चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की अचल मूर्ति के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। नवंबर तक मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। एक वक्त ऐसा था कि राम भक्तों ने राम मंदिर के निर्माण की आशा ही छोड़ दी थी। इस बीच जब 2019 में 500 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला आया तो पूरे देश में उत्साह छा गया। इसके बाद जब राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हुआ तो राम भक्तों ने मंदिर निर्माण की आशा फिर से जगा ली और आज सदियों की कल्पना साकार होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर की मुख्य संरचना कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट है। मंदिर की लंबाई 360 फीट है। मंदिर की चौड़ाई 235 फीट है और मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 तल का होगा। प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। भूतल के स्तंभों की संख्या 160 बताई जा रही है। प्रथम तल में स्तंभों की संख्या 132 रहेगी। दूसरे तल में स्तंभों की संख्या 74 रहेगी। मंदिर में द्वारों की संख्या 12 है। राम मंदिर की सीढ़ियां 32 बताई जा रही हैं। भव्य राम मंदिर जल्द से तैयार हो जाएगा और आशा है कि 2024 में जनवरी के महीने में आपको राम जी लला के दर्शन करने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।